अपना नाम बताइए मैं जफरफ शिरवानी कॉलोनी हूँ जी जो ये डंपिंग पे है बारे में डी सी साहब ऑफ बारामला को भी किया था और म्यूनसिपल काउंसिल को बार बार हमने रिक्वेस्ट की रिमूव किया जाए क्योंकि मेन मार्केट में और हमारे मस्जिद के नजदीक भी है इसकी जो सिविल है अंदर मस्जिद में भी इफेक्ट करती है पूरी मार्केट को भी डिस्टर्ब करती है बार बार कहने पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस पर स्टेप नहीं उठाया आज हम फिर आपके वसाद से डी सी बारामला और एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपल काउंसिल को रिक्वेस्ट करते हैं मेहरबानी करके इस डिंग साइड को यहाँ से रिमूव किया जाए क्योंकि ये यह बिल्कुल यहाँ पे गलत साइड पर लोकेशन दी है इन चीज़ों से आगाह किया और अफसोस का मुकाम ये है कि ये डंपिंग जो हो रही है यहाँ या पता हम इंसान ये कुत्ते होते हैं वहाँ मस्जिद शरीफ सामने है मार्केट है और यहाँ स्टाफ लोग हमारे माए बहने कुत्ते होते हैं उनसे जान का ख़तरा है अफसोस का मुकाम ये है कि हमें आज हम इसलिए हम डिप्टी कमिश्नर साहिबा से हमारी मौजबाना गुजारिश है और हमारी आने ऑनरेबल गवर्नर से इन चीज़ की तरफ तोजह थे और हम जब बारामूला गए हैं हमने बारामूला में एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बार बार इस चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर से हमने बात की थी उसने कहा कि बारामू जो ये चेहरा है बारामूला का चेहरा है खोजवा के चेहरा है मगर अफसोस यहाँ सब ऑफिस यहाँ है डिस्ट्रिक्टवाटर है यहाँ पुलिस लाइन है यहाँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सब कुछ यहाँ है मगर अफसोस जी अपना नाम बताइए जी मैं मेरा नाम मोहम्मद सदक हारून है मैं बापर मंडल का सेक्रेटरी हूँ खोजवा बापर मंडल का तो मतलब हमने इस डंपिंग के बारे में जो ओपन डंपिंग यहाँ मतलब म्यूनसिपल कॉपोशन बारामूला में यहाँ मत मतलब खोल के रखी हुई है नेशनल हाईवे पर और जो भी पहले बारामूला में आते हैं बारह ये तो बारामूला का मतलब मेन मतलब गेट वे ऑफ बारामूला है आप देख लीजिए कितने कुत्ते कितनी गंदगी यहाँ मतलब उनको वेलकम कर लेती है और कहाँ कहाँ मतलब इसके बारे में हमने मतलब म्यूनसपल कॉर्पोरेशन के पास हम गए जो जो भी डिपार्टमेंट इसके साथ कंसर्न था वहाँ हम गए उनको ये डंपिंग कम से कम कवर कर लीजिए लेकिन ये आज तक नहीं हुआ हमें इससे कितनी मतलब प्रॉब्लम हुई कि मतलब जैसे हमारे यहाँ बारामूला में कुतू तो ने मतलब एक वकील साहब को भी मतलब जिनकी डेथ हो गई बाद में ऐसे ये यहाँ इतने स्कूल है ये मेन पॉइंट है तकरीबन तकरीबन जितना भी इलाका है उनका ये मतलब सिचुएशन है तो उसके बावजूद भी ये कहने के बावजूद भी ये मुसीबत हमारे सर पर हमेशा नाचती रही है और जो भी आता है वो सबसे पहले उसका वेलकम हमारे खुजबाग में इसी डंपिंग यार्ड से हो जाता है और ये मतलब तकरीबन ये हफ्ते में मतलब एक या दो बार इसको साफ़ कर लेंगे ये गंदगी पूरी की पूरी जैसे बिहारी फिर आते हैं इसको सफाई करने के लिए सफ़ाई नहीं करते हैं, वो अपना कुछ ढूंढते हैं इसमें ये पूरा फैल जाता है नेशनल हाईवे पर तो इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है हम डिप्टी कमिश्नर बारहुल्ला से रिक्वेस्ट करते हैं मैम से कि इतना ख्याल वो पूरा मतलब टाउन का रह, रखती है लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया वो तो इस रास्ते से तकरीबन सौ बार गुजरी होगी तो हम अपने मतलब बाबर मंडल खुज उनसे रिक्वेस्ट करती है करते हैं कि कम से जैसा कि आपको पता होना चाहिए हमने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स टू थाउजेंड सिक्सटीन उनको अडॉप्ट किया है और उसको लेके हमने एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया है फॉर कलेक्शन और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए जो हमारा डिस्पोजल है वेस्ट का वेस्ट डिस्पोजल है उसके लिए हमने एक प्लांट बना बनाना है जिसका डी पी अंडर प्रोसेस है वो डी जब तैयार हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी अभी अभी हम इसमें नए हैं मैं समझूंगा कि हम नए हैं स्टेज में कि जो प्रॉपर कलेक्शन और प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट को अभी तक नहीं हो रहा है तो इसमें हमने आज सुबह से हमने एक प्रोसेस शुरू किया लोगों को अवेयर करना है कि ये जो वेस्ट है वेस्ट कितना जरूरी ज़रूरी हमने डिस्पोज करना कितना ज़रूरी है और उसमें हमने आज सुबह ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए लोगों को अवेयर किया है कि ये जो वेस्ट है आप इसको अपने अ, अपने अपने अहते में एक एक डस्टबिन रखें ताकि जो आपका वेस्ट निकलता है वो आप अपने अपने डस्टबिन में रखें ताकि वो वेस्ट हम आ, कलेक्ट करें अपने जो हमारे डेजिग्नेटेड व्हीकल्स हैं इसके लिए उसमें हम कलेक्ट करेंगे उसके एवज लोगों को थोड़ा सा यूजर चार्ज देना पड़ेगा और इस आ, 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 वेस्ट को हम फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे जो हमारे डेजिग्नेटेड साइट है खजबाग में वहाँ पर हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे वहां पर हम उसको फिर प्रोसेस करेंगे जो अभी हमें अंडर प्रोसेस है